जय हिंद सभी साथियों को। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बीआरओ स्टोर कीपर रिटर्न टेस्ट के 19 क्लास के बारे में। फ्रेंड्स क्लास हमने 18 तक देख ली थी। फ्रेंड्स जिस भी कैंडिडेट ने अगर 18 तक क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकता है या फिर हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टोर कीपर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आंसर सहित मिलेंगे। और फ्रेंड्स जिस भी कैंडिडेट को पीडीएफ लेना है वह फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सअप नंबर 7891710706 पर संपर्क कर सकता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि 4 सितंबर को स्टोर सुपरवाइजर पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। फ्रेंड्स एक कैंडिडेट था हमारा भी उसमें जो सेलेक्ट हुआ है, सौरभ ज्ञान सीरियल नंबर 5 पर, उसको हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्लास 19 जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आगामी नए नोटिफिकेशन में बीआरओ संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं क्लास 19 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 9 हमने ओपन कर लिए। एक बही को पुस्तक कहा जाता है, ऑप्शन ए प्राथमिक प्रविष्टि, ऑप्शन बी अंतिम प्रविष्टि, ऑप्शन सी मूल प्रविष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी जगह देखा है मैंने, प्राथमिक प्रविष्टि भी है अंतिम प्रविष्टि भी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम प्रविष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लीजिए। उसके अलावा बात कर ले फ्रेंड्स हम क्लास 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता बही खाता है, ऑप्शन ए लेन देन खाता, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी घटनाक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जनरल से आइटम को उसके संबंधित खाता बही में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन ए प्रवेश, ऑप्शन बी अंकगणित, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी पोस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोस्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनरल के साथ प्रविष्टि को जोड़ने वाले खाता स्तंभ को कहा जाता है, ऑप्शन ए जेएफ कॉलम, ऑप्शन बी एलएफ कॉलम, ऑप्शन सी क्रेडिट कॉलम, ऑप्शन डी डेबिट कॉलम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएफ कॉलम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खाता बही के बाएं हाथ के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए फुटिंग, ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष, ऑप्शन सी डेबिट पक्ष, ऑप्शन डी सेस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेबिट पक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेजर एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें शामिल है केवल वास्तविक खाते, केवल व्यक्तिगत खाते, सभी खाते, डी नाम मात्र खाते केवल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी खाते, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिन खातों में क्रेडिट बैलेंस है वे स्टेटमेंट का उपयोग करके बंद कर दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जिसके द्वारा उपयोग करके बंद कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए संतुलन बी डी, ऑप्शन बी संतुलन सी डी, ऑप्शन सी संतुलन बी डी, ऑप्शन डी संतुलन सी डी। तो फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन बार बार रिपीट हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है फ्रेंड्स, इसको ध्यान मत देना क्योंकि मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाते में डेबिट बैलेंस होने पर उसे स्थापित कर दिया जाता है, ऑप्शन ए लेखांकन अवधि की अंतिम प्रविष्टि डेबिट पक्ष पर पोस्ट की गई है, ऑप्शन बी डेबिट की राशि क्रेडिट की राशि से अधिक है, ऑप्शन सी क्रेडिट पक्ष की तुलना में डेबिट पक्ष पर अधिक प्रविष्टियाँ है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेबिट की राशि क्रेडिट की राशि से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु खाता बही के क्रेडिट पक्ष में प्रदर्शित होगा, ऑप्शन ए प्राप्त डिस्काउंट, ऑप्शन बी नगद प्राप्त, ऑप्शन सी किराए व्यय, ऑप्शन डी खरीद। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त डिस्काउंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से परीक्षण संतुलन तैयार करने के लिए आधार के रूप में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए नगद खाता, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी लेजर खाता। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर खाता, जिसको आप लीडर बुक बोलते हो इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोर लेजर का रखरखाव किया जाता है एक स्टोर द्वारा, ऑप्शन बी वित्त विभाग, ऑप्शन सी लागत लेखा विभाग, ऑप्शन डी ए ओ बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लागत लेखा विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, बिन कार्ड का रिकॉर्ड है केवल, ऑप्शन ए लागत, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी
वेत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले से लागत का पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन ए एक वित्तीय लेखा, ऑप्शन बी लागत लेखांकन, ऑप्शन सी प्रबंधन लेखांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते, इसका राइट आंसर हो जाएगा लागत लेखांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लागत लेखांकन के दायरे में शामिल है। ऑप्शन ए लागत का पता लगाना, लागत प्रस्तुति, लागत नियंत्रण, ऑप्शन बी टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, लेखांकन जानकारी की प्रस्तुति, ऑप्शन सी पॉलिसी का निर्माण, दिन के काम का संचालन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते, इसका राइट आंसर हो जाएगा लागत का पता लगाना, लागत प्रस्तुति, लागत नियंत्रण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामग्री को स्टोर कीपर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सामग्री की आवश्यकता के अनुसार, ऑप्शन बी सामग्री का बिल के रूप में, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, जब भी स्टोर कीपर सामग्री जारी करता है तो उनको पूछता है कितनी आवश्यकता उस अनुसार, और उनका साथ में बिल देता है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टोर लेजर है एक है। ऑप्शन ए मात्रात्मक और साथ ही प्राप्त सामग्री का मूल्यवान रिकॉर्ड जारी किया, ऑप्शन बी प्राप्त सामग्री का मात्रात्मक रिकॉर्ड जारी किए गए और शेष सामग्री, ऑप्शन सी मूल्यवान रिकॉर्ड प्राप्त किया जारी किया, ऑप्शन डी श्रम उपस्थिति का एक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मात्रात्मक और साथ ही प्राप्त सामग्री का मूल्यवान रिकॉर्ड जारी किया। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा है जिस पर इन्वेंट्री को रखने और ले जाने की लागत होती है। ऑप्शन ए अधिकतम और बराबर एक्स, ऑप्शन बी न्यूनतम और समान वी, ऑप्शन सी यह अधिकतम या न्यूनतम हो सकता है जो मामले में सी, ऑप्शन डी न्यूनतम और असमान एक्स के आधार पर होता है। 17 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम और समान वी। क्वेश्चन नंबर 18, एबीसी विश्लेषण एक इन्वेंट्री कंट्रोल तकनीक है जिसमें ऑप्शन ए इन्वेंट्री स्तर बनाए रखा जाता है एक्स, ओ इन्वेंट्री को ए बी एक्स और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जिसमें ए सबसे अधिक मात्रा में सबसे कम मूल्य इन्वेंट्री को ए पी और में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन सी श्रेणी जिसमें ए सबसे कम मात्रा है उच्चतम सीमान है, ऑप्शन डी ओ या तो बी या सी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, विविध ओवरहेड व्यय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ओ सामग्री खपत के अनुपात में संलग्न किया जाता है, ऑप्शन बी कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन सी श्रम घंटे, ऑप्शन डी मशीन घंटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम घंटे। क्वेश्चन नंबर 20, ओवरहेड के विभागीयकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक वितरण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी औद्वित्यक वितरण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी ओ अवशोषण एक्स के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी ओ आवंटन एक्स के रूप में जाना जाता है, तो यह है ओ प्राथमिक वितरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मशीन वर्चस्व वाले उद्योग में ओवरहेड अवशोषण की कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए ओ प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि, ऑप्शन बी ओ प्रधान लागत विधि एक्स, ऑप्शन सी ओ श्रम घंटे विधि एक्स, ऑप्शन डी मशीन घंटे विधि वी। क्वेश्चन नंबर 21 बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन घंटे विधि वी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लागत विधि जिसे उद्योग में उपयोग किया जा सकता है जहाँ उत्पाद विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। ऑप्शन ए ओ नौकरी की लागत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी ओ परिचालन लागत के रूप में, ऑप्शन सी ओ बैच कास्टिंग्स के रूप में, ऑप्शन डी प्रक्रिया लागत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले तो प्रक्रिया लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य नुकसान का मूल्य है। ऑप्शन ए ओ अन्य अच्छे उत्पाद से वसूला जाता है, ऑप्शन बी ओ ट्रेडिंग ए या सी एक्स, ऑप्शन सी ओ लाभ और हानि ए सी एक्स, ऑप्शन डी ओ लागत लाभ और हानि ए सी एक्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ अन्य अच्छे उत्पाद से वसूला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट एंड फाइनल है, अनुबंध की लागत और लाभ या हानि की तैयारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए ओ लागत पत्रक, ऑप्शन बी ओ लाभ और हानि ए ऑब्लिक सी एक्स,
ऑप्शन सी ओ व्यापार अकाउंट, ऑप्शन डी अलग खाता भाई अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो राइट आंसर होगा अलग खाता भाई अकाउंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स जिस भी कंट्री का PDF लेना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7891717106 पर संपर्क कर सकता है। फ्रेंड्स PDF की फ़ीस हमने कुछ रखी है वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। फ्रेंड्स फ्रेंड ध्यान रखना 7891717106। फ्रेंड्स हमारे नाम से काफ़ी PDF बेची जा रही है और मेरी ही PDF फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कंप्लीट PDF किसी के पास नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपको मुश्किल 30 से 40 PDF देंगे, बट मैं उसे दुगुनी PDF मेरे पास रेडी है। तो फ्रेंड्स सभी से निवेदन जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। फ्रेंड्स आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए, पसंद आए तो उसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय हिंद।